अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का पेपर है फैसलाबाद बोर्ड ईयर 2014 ग्रुप वन ऑब्जेक्टिव। सॉल्व करते हैं। नंबर वन, फॉगी, ऑप्शन ए मिस्टी, दोनों का मतलब है धुंधला। नंबर टू, ऑब्स्टिनेसी, जिद, हठधर्मी, ऑप्शन बी स्टबर्नेस। नंबर थ्री, फिरोशियस, खूनखार, ऑप्शन ए फियरस। नंबर फोर, रिप्रिहेंसिबल, ऑप्शन सी कंडेमेबल। नंबर फाइव, वेक, गैर वाजे, ऑप्शन सी अनक्लियर। नंबर सिक्स, लार्डर, ऑप्शन डी किचन स्टोर। ये फ्लेमिंग वाले चैप्टर में से है। लार्डर कहते थे ऐसी अलमारी को जिसमें खाने पीने की चीजें रखी जाती थी। नंबर सेवन, रिलक्टेंट, हिचकिचाहट का शिकार, ऑप्शन सी अनविलिंग। नंबर एट, रेन, अहद हुकूमत, ऑप्शन सी रूल। नंबर नाइन, ल्यूमिनस, ऑप्शन ए ब्राइट। नंबर टेन, वॉयज, ऑप्शन बी जर्नी। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस। नंबर इलेवन, हिज सिकनेस कन्फाइंड हिम टू बेड, ऑप्शन ए कन्फाइंड टू होता है। नंबर ट्वेल्व में क्रेव्स फॉर। नंबर थर्टीन, प्रोफिशिएंट इन, ऑप्शन बी आएगा। नंबर फोर्टीन, डिस्पेंस विथ, ऑप्शन डी। नंबर 15, डिप्राइव ऑफ होता है, ऑप्शन बी। करेक्शन में, नो सूनर आई सॉ हिम आई रैन टू मीट हिम, तो नो सूनर के बाद डिड आता है और फिर दूसरे फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दुरुस्त होगा नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई रन टू मीट हिम, ऑप्शन बी। आई एन कैश 5000 रुपीज। यहां पर मिस्टेक क्या है, रूल ये है कि 100,000 स्टोन, डजन, ग्रॉस, इनके बाद इनसे पहले अगर कोई अददी नंबर है तो फिर इनके साथ इनकी जमा नहीं बनती, यानी एस नहीं लगता। तो दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आई एन कैश्ड 5000 रुपीज। नंबर 18, दिस टी इज वेरी हॉट टू ड्रिंक, तो दुरुस्त होगा दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। नंबर 19 और 20 मिसप्रिंट थे, पढ़े ही नहीं जा सके पेपर में, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो इसका हिस्सा नहीं है। सब्जेक्टिव में, हाउ डू थ्रिफ्टी वाइव्स प्रिजर्व फूड इन पास्ट, ये क्वेश्चन एडिशनल है, बार बार रिपीट हुआ है। तो थ्रिफ्टी कहते हैं किफायत शुआर या बचत करने वाली खातून को, तो मतलब एडजेक्टिव है। तो ये खवातीन किस तरह से सेव करती थी, बचा के रखती थी खाने पीने की चीजों को, पिकलिंग, कैनिंग और ड्राइंग, यानी चीजों को खुश करके अचार डाल के या डब्बों में बंद करके। बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं और बार बार रिपीट होने वाले हैं। इस पेपर में हीरोज वाले पोर्शन में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हुए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और एज सच कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर चिप्स के पोर्शन वाले हिस्से में से क्वेश्चन, What was situated beyond Brookfield? तो याद रखें कि Brookfield से आगे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भी Brookfield था, और उसके बाद कई एकड़ तक फैले हुए मैदान थे। What memories of Catherine haunted Chips? कौन सी यादें थी जो उसके जहन में बार बार आती थी, उसका हाउलर में से जो है ना वो चिप्स के साथ बैठ के हाउलर पे हंसना, यानी ऐसी गलती जो चेक होने से रह जाती थी उसको याद आता था कि स्टोन कॉरिडोर्स में किस तरह से कैथरीन स्कैम्पर करती थी, भागती रहती थी, या स्कूल फंक्शन में किस तरह से वो हिस्सा लेती थी, या मोजार्ट ट्रायो में किस तरह से उसका क्रीमी आर्म जो था वो बड़ी तेजी से शीन पर चलता था। तो ये मेमोरीज थी जो बार बार उसके जहन में आती थी। बाकी सारे वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। एसेज हैं, हॉबी, पोल्यूशन, एजुकेशन सिस्टम, ओवर पॉपुलेशन, तो हॉबी ऑब्वियसली आप सबने करना होगा। आसान से हैं जी, इसमें भी idioms, lame excuse है, end in smoke, maiden speech, up to the mark, call names, breakdown, break off, burn the midnight oil, और पैराग्राफ है, एक अच्छा दोस्त हर किस्म की दौलत से ज्यादा कीमती होता है, मेरे नजदीक थोड़ा सा मुश्किल है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पैराग्राफ है वायल ऑफ पाकिस्तान या पेट्रियोटिज्म, तो ये निस्बतन आसान है। आई डू होप कि ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगी आपकी।